लाइफ हमारी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही किसी इंसेक्ट की इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की इम्पॉर्टेंट है या किसी अदर एनिमल की इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन क्या है? हमारे लिए गेस्ट है, मतलब उस कार्बन के लिए गेस्ट है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही वाले थे, आप ही समझिए। वो अपनी बाइक उठाता है, ठीक है, तीन बच्चों को पीछे बैठाता है, एक को अपनी टंकी में बैठाता है, चार बच्चों को मार्केट लेके जाता है जूस खिलाने के लिए। और वो जूस की दुकान पर जाके क्या करता है? ऑर्डर करता है और वो चार ग्लास जूस ऑर्डर करता है, समझिएगा। उसने कहा कि एक गिलास अनार का जूस बनाओ, एक मौसमी का जूस, मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके अब जो नया बॉक्स बनेगा उसका नाम क्या होगा? SP3। यहाँ पे जो चार ग्लास नए जूस बने, अब वो अनार, मैंगो, बनाना शेक, मैंगो शेक नहीं है, वो क्या है? एक बार फिर मैं अमित सिंह फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं, जिसका टॉपिक रहेगा आज हाइब्रिडाइजेशन। तो समझने की बात यह है कि जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर एक टर्म आ रही है हाइब्रिड। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं हाइब्रिड सीड एंड हाइब्रिड एनिमल्स। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं सीड खरीद के लाते हैं, तो वहाँ पे आप शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं आपको इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ये हाइब्रिड सीड चाहिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो सीड बनाया गया। उसी तरह से हाइब्रिड एनिमल, तो हाइब्रिड एनिमल का एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको उसका नाम पता है, खच्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं म्यूल, म्यूल, खच्चर, जो आजकल आप कहाँ पर सुन रहे हैं? सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा इसको देख रहे हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका यूज़ कम से कम करें, ज़्यादा प्रॉब्लम है तब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ हमारी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही किसी इंसेक्ट की इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की इम्पॉर्टेंट है या किसी अदर एनिमल की इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना है और हम एक्सप्लॉइट करें। तो बहुत अच्छी बात है जो लोग इस तरह की अवेयरनेस सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है, और उन इन्फॉर्मेशन को करने लेने के बाद हमको सभी को अवेयर भी करना चाहिए। तो बेसिकली जो ये म्यूल है ये क्रॉस के बाद बनता है, और वो क्रॉस क्या है आप देखिए, मेल, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस के बाद ये हाइब्रिड एनिमल बनता है जिसका नाम है म्यूल या फिर खच्चर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हाइब्रिड टर्म है ये बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन आज हम इसको कहीं ना कहीं कहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं? अपने केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, ये बिलोंग करता है केमिकल बॉन्डिंग, जो अपना चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग करता है। अब बात समझने की ये है कि जो अपने इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कोई बच्चा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और टॉपिक को उतना स्ट्रांग नहीं करता जितना इनको कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने यही दो चैप्टर नहीं किए तो फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं, और इस कहानी का जो टॉपिक रहेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। और इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और वो एग्जाम्पल है अपना मिथेन, ठीक है। तो देखिए अपना ये एक एग्जाम्पल है जिसका कंपाउंड का फॉर्मूला है CH4, हम इसको बोलते हैं, आपने ये 10th स्टैंडर्ड पे भी पढ़ा हुआ है, 10th स्टैंडर्ड पे अपना चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पे आपने इस कंपाउंड को पढ़ा है जिसका नाम है मीथेन। अब देखिए जो ये मीथेन है इसमें ये सेंटर में कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। अब ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और आप जानते हैं इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई थी 10th क्लास पर जिसका है नाम टेट्रावेलेंट। आप इस कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट बोलते हैं, मतलब ये कितनी वैलेंसी शो करता है? 4, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1, 2, 3, 4, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बना पा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको समझने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और जो 10th स्टैंडर्ड पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा वो आता है 2.4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन जो लेटेस्ट है जो हम 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए ये देखिए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला पार्ट, ये है वैलेंस शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2+2 4, ये रहा 4, ठीक है, तो सही है। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में यूज किया जाएगा वो वाला पार्ट क्या है, 2s2n2p2। बेसिकली हम यहां पर ये समझने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है, केमिस्ट्री में हाइब्रिड बनाया क्यों जा रहा है, हाइब्रिड का मतलब मिक्स करना, यहां पे मिक्स करने की रिक्वायरमेंट क्या आई, तो उस नीड को समझने के लिए एग्जांपल हमने कंसीडर किया है। तो 2s2 2p2, आप बहुत अच्छे से जानते हैं s में एक बॉक्स होता है और p के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बेसिकली s सबशेल में एक बॉक्स होता है, एक ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 बॉक्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, 1, 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2, ठीक है, एक खाली है। अब इसको ध्यान से समझिए, अब आप देखिए बॉन्डिंग, कोई भी एटम अगर बॉन्डिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर होने नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड, इसका मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई पहले से ही पेयर है तो वो क्यों किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, अगर कोई अनपेयर है, अनपेयर है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं करेंगे। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कार्बन कितने बॉन्ड बना पाएगा बेटा, सिर्फ 2 बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन हमने क्या बोला है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा या कितने बॉन्ड बना रहा है इस कंपाउंड में, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कार्बन बॉन्ड 4 बनाता है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, कार्बन इस कंपाउंड में भी 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अब जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 ही है, इट मीन्स कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है बेटा, ये है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है ना 4, वो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। तो कार्बन का काम क्या है, कार्बन का काम है एक स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट्स भी क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, इस एज में क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, जब तक वो कॉलेज से पास आउट नहीं करते वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में बनाते हैं वो बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, अब हम इसको लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर जंप कराएगा 2p में, 1, 2, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहां तक पहुंचाएगा। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अब ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 4 हाइड्रोजन, ये 1, 2, 3, 4, और 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, तो 4+4 8। कार्बन यही चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8, क्योंकि 8 का मतलब ऑक्टेट रूल। तो कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 10th में भी पढ़ा था, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये है 2s, ठीक है, ये है अपना 2px, 2PY एंड 2PZ, हैं तीनों P, लेकिन कॉन्फिगरेशन है ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट क्या करना है अपने को, 4 हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन का, 1 हाइड्रोजन 2, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4। अब हाइड्रोजन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शेयरिंग के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर से आ जाएंगे, 4 8 हो जाएंगे, और सभी बॉक्स के अंदर, सभी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही वाले थे एक्चुअल में। ये हाइड्रोजन यहाँ पर अभी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है हम इसको गेस्ट बोल सकते हैं। ये हाइड्रोजन क्या है, हमारे लिए गेस्ट है, मतलब उस कार्बन के लिए गेस्ट है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही वाले थे, आप ही समझिएगा ध्यान से।
अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन ने ये देखा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां पर कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एस, ये वाला हाइड्रोजन पी एक्स पी वाई एंड जेड, इसका मतलब चारों बॉक्स अलग कॉन्फिग्रेशन के। तो यहां पर हाइड्रोजन इट मींस गेस्ट, गेस्ट ने क्या कर लिया, गेस्ट ने क्या किया, क्या किया गेस्ट ने, कंपैरिजन। और ये तो एक इतनी बड़ी बीमारी है, जहां भी कंपैरिजन आएगा वहां प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए कहा भी जाता है कि हम जैसे हैं जो हैं अच्छे हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करना खुद को किसी से। और हाइड्रोजन ने वही किया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले थे, हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल जाती, कार्बन को भी स्टेबिलिटी मिल जाती, ऑक्टेट रूल डबलेट रूल, लेकिन हाइड्रोजन ने कंपेयर किया कि ये हाइड्रोजन तो एस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन एक्स में कर रहा है, पी एक्स में, तो मुझे भी पी एक्स में करना है या मुझे भी एस में करना है। कहीं ना कहीं एक लड़ाई वाला माहौल बन गया हाइड्रोजन के लिए। प्रॉब्लम हुई किसे, प्रॉब्लम हुई कार्बन को, क्योंकि कार्बन को स्टेबिलिटी मिलने वाली थी, लेकिन हाइड्रोजन ने जो आपस में कंपैरिजन किया उस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मना कर दिया। हाइड्रोजन ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट, या फिर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब यहाँ पर शेयरिंग है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। तो कार्बन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे या अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेंगे हमारे साथ, तो हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए देखो, इसको इस तरह से समझो, है ना, ये आपकी भी समझ में आएगा कि चार गेस्ट आए हैं आपके घर, है ना, चार गेस्ट आपके घर पर आए हुए हैं, चार गेस्ट आपके घर पर आए हुए हैं, और चारों गेस्ट आपके लिए काजू कतली लाए हैं। चारों गेस्ट जो आपको गिफ्ट देने आए हैं वो सेम है, लेकिन आप उन चार गेस्ट को, एक को तो आप एसी वाले कमरे में सुलाते हैं रात को, एक को आप ऐसे कमरे में सुलाते हैं जिसमें कूलर है, एक को आप ऐसे कमरे में सुलाते हैं जिसमें फैन है, और एक को आप ऐसे कमरे में सुलाते हैं जिसमें फैन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गेस्ट कंपेयर नहीं करेंगे कि भाई हम इनके लिए सेम गिफ्ट ले गए, लेकिन ये एक गेस्ट को तो एसी वाले कमरे में सुला रहे हैं और एक गेस्ट को ऐसे कमरे में सुला रहे हैं जिसमें कूलर तक या फैन तक भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, आप खुद बताइए। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे, पहली बात तो आएंगे ही नहीं भाई, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने आएंगे ही नहीं, गेस्ट के फॉर्म में आएंगे ही नहीं उस घर में जहां पे इस तरह से कंपैरिजन होगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये कंपैरिजन वाली टर्म आएगी जरूर यहां पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो दूसरा रास्ता क्या है, एक रास्ता और बताता हूं तुम्हें कि एक पेरेंट है जिसके कितने बच्चे हैं भाई, चार बच्चे हैं उसके, ठीक है। तो उसके चार छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने चार बच्चों को मार्केट लेके जाता है, उनसे बोलता है कि चलिए आज आपको मैं जूस पिला के लाता हूँ। वो अपनी बाइक उठाता है, ठीक है, तीन बच्चों को पीछे बैठाता है, एक को अपनी टंकी पे बैठाता है, चार बच्चों को मार्केट लेके जाता है जूस पिलाने के लिए। अब वो जूस की दुकान पे जाके क्या करता है, ऑर्डर करता है, और वो चार ग्लास जूस ऑर्डर करता है। समझिएगा, उसने कहा कि एक ग्लास अनार का जूस बनाओ, एक मौसमी का जूस बनाओ, ठीक है, एक बनाना शेक बनाओ और एक मैंगो शेक बनाओ। वो चार ग्लास जूस ऑर्डर कर देता है अपने चार छोटे बच्चों के लिए। जूस आ जाता है, टेबल पर रखा जाता है, चार ग्लास टेबल पर रखे होते हैं, बच्चे अपना ग्लास उठाते हैं, और ग्लास उठाते ही प्रॉब्लम क्या आती है, वो बच्चे एक दूसरे के ग्लास को देख लेते हैं। चारों ने अपना अपना ग्लास उठाया, एक दूसरे के ग्लास को देख लिया, और एक दूसरे के ग्लास को देखते ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कंपैरिजन। वो बोलते हैं कि पापा आपने इसके लिए अनार का जूस ऑर्डर किया है, मेरे लिए बनाना चाहिए, कंपैरिजन किया कि इसका जूस महंगा है मेरा सस्ता है। बच्चों ने जूस पीने के लिए मना कर दिया, अपना ग्लास रख दिया। अब पापा तो पापा ही हैं, है ना, उनके पास भी दिमाग है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं पी रहे कोई बात नहीं। वो चारों ग्लास लेके जाते हैं और मिक्सी के अंदर डालते हैं, चारों ग्लास को मिक्सी के अंदर डालते हैं और मिक्स करवा देते हैं उससे, शॉपकीपर से, कि बोलते हैं कि मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद फिर से चार ग्लास जूस, दोबारा से चार ग्लास जूस आ जाता है। इस बार जो चार ग्लास जूस है, अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे में अनार है या मेरे में मौसमी है, बनाना शेक है, मैंगो, अब चारों मिक्स हो चुके हैं। तो मिक्स होने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो कॉन्सेप्ट पापा ने यूज किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इस पूरी स्टोरी को देखता है, स्टोरी को देख के सोचता है कि मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। और कार्बन यही सोचते हुए कि मैं भी इस तरह से कर सकता हूं, और इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर केमिस्ट्री में अप्लाई कर देता है। और देखिए उसने किस तरह से अप्लाई किया। अब पहले तो आपको मैं ये बता देता हूं, दो पॉइंट आप लिखिएगा यहां पर पहले,
कि कितने ग्लास जूस है, 4 ग्लास, ठीक है, 4 ग्लास। उसने 4 ग्लास को मिक्स किया तो बताओ नए जूस जो बने वो कितने बने, 4 ग्लास। तो इसका मतलब यह है कि जितने ग्लास जूस आप मिक्स करेंगे उतना ही नया बनेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो नए बनाए हैं आपने, इसको आप क्या बोल रहे हैं, आपने कैसे बनाया, ये इंटर मिक्सिंग, आपने इंटर मिक्स किया, जूस को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद 4 नए ग्लास बन गए। तो जितने आपने मिक्स किए उतने ही नए बने, और इस टर्म के लिए क्या बोला गया, इंटर मिक्सिंग। और इंटर मिक्सिंग आपने किसकी की है, अभी आपने जूस की इंटर मिक्सिंग की है, इसी से हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो ये कंपेयर करते हुए वहीं पे बता दिया जाएगा। अब देखो आप इस बात को समझो, इस बात को यहाँ पे देखो कि कार्बन ने ये अप्लाई किया, कार्बन ने क्या कहा, कार्बन ने कहा कि मेरे पास एक तो है S और मेरे पास 3 है Y, लेकिन कॉन्फिगेशन अलग है, एक 2px है, एक 2py है और एक 2pz है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के माइंड में ये आइडिया आ जाता है, स्ट्राइक करता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं भी मिक्स कर देता हूँ। कार्बन क्या करता है, एक S और P कितने हैं, 3, उसने कहा 3p, मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके अब जो नया बॉक्स बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp3। यहाँ पे जो 4 ग्लास नए जूस बने, अब वो अनार मैंगो बनाना शेक, मैंगो शेक नहीं है, वो क्या है, वो मिक्स जूस है, अब उसका नाम क्या है, मिक्स जूस, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बना दिया, एक S और 3p को मिक्स किया, मिक्स करके बना दिया sp3। कितने मिक्स किए उसने, 3 और 1 4, तो इसका मतलब 4 नए बनेंगे, जितने मिक्स करोगे उतने नए बनेंगे। अब जो ये बॉक्स बनाया उसने, इन बॉक्स का नाम क्या रख दिया गया भाई, सभी का नाम क्या है, अब sp3, अब 4 हाइड्रोजन आएंगे भाई, 4 हाइड्रोजन आएंगे, और जब 4 हाइड्रोजन आएंगे देखेंगे सब तो सेम है, अब प्रॉब्लम सॉल्व, 1, 1, 1, 1, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करने जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की हमने, मिक्स करके, ठीक है। मिक्स हमने किया किसको, यहाँ तो हमने जूस को मिक्स किया था, यहाँ हमने किसको मिक्स किया, बॉक्स को। और ये जो बॉक्स है, बेसिकली ये बॉक्स हैं क्या, ऑर्बिटल्स। इसका मतलब हम किसको मिक्स करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, हम मिक्स करते हैं इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की या ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करके हम क्या बना देते हैं, ये नए बॉक्स बना देते हैं, और जो नए बॉक्स बनते हैं उसको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितना सिंपल है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन टर्म तब आती है जब हम कंपेयर करने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर करने आ रहे हैं एटम, वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन पी एक्स में क्यों दूं, मैं तो पी वाई में देना चाहता हूं। तो उस कंपैरिजन वाली प्रॉब्लम को कार्बन ने इस तरह से सॉल्व किया, मिक्स कर दिए, और जितने बॉक्स आप मिक्स करते हैं उतने ही नए बनते हैं। जैसे आपने 4 बॉक्स मिक्स किए, 3 और 1 4, तो 4 नए sp3 बन गए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कार्बन एक s मिक्स करता है और 2p, तो क्या बन जाएगा, sp2, और कितने बनेंगे, 2 और 1 3 3 sp2। तो जो मिक्स करने के बाद टर्म आएगी वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अपना कंपाउंड है CH4 मीथेन, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। और हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनाने से पहले की जाती है, जब आपको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्योंकि जब आप बॉन्ड बनाने वाले थे, देखो ये समझो, आप तो बॉन्ड बनाने वाले थे ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पहुंच गए थे, वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चले गए थे, लेकिन बॉन्डिंग नहीं की थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अलग अलग ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जितने आप मिक्स करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो बेसिकली अगर एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की आप इंटर मिक्सिंग करते हैं, जितने ऑर्बिटल आप मिक्स करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने सिर्फ समझा है कि इसकी नीड क्या है, अभी हमने ये नहीं समझा कि कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या ज्योमेट्री हो सकती है, क्या बॉन्ड एंगल हो सकता है, वो अभी कुछ नहीं समझा। अभी तो सिर्फ हमने बेस बनाया कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो इसका केमिस्ट्री में क्या रोल है।
तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे ज्योमेट्री निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पूरा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने पूरा समझाया कि sp3 है, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल आएगा और क्या इसके और डिस्टॉर्शन आएंगे कि चेंज कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए ये आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट होगा या जिस वीडियो जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।